हेलो गाइस, सिंपल टॉक विद प्रवीण हटकर में आपका स्वागत है। जिंदगी आसान है दोस्तों, और उसे आसानी से ही जीना चाहिए। एक ऊंचा बड़ा सा बरगद का पेड़ रहता है, ठीक उसी ऊंचाई पर एक चील ने एक घोंसले में अंडे दिए रहते हैं। ठीक उसी बरगद के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दिए रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उन चील के अंडों में से एक अंडा मुर्गियों के अंडों में गिरता है, उसमें शामिल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो फूटता है, बाहर आता है और मुर्गियों के बच्चों के साथ में खेलने लगता है, कुड़कुड़ाता है और दाना भी चुगना शुरू कर देता है। और इतना खेलता है, इतना घुल मिल जाता है कि वो एक मुर्गी की तरह ही रहता है। कुछ दिनों के बाद में वो आसमां में देखता है कि उसमें एक बड़ा सा चील वहां पे उड़ रहा रहता है। वो अपनी मुर्गी माँ से कहता है कि माँ माँ, ये क्या है, ये कौन सा पक्षी है जो आसमां में ऊंचा उड़ रहा है। तभी मुर्गी माँ कहती है कि बेटा वो चील है। तभी चील का बच्चा कहता है कि माँ, मुझे उसी की तरह आसमां में उड़ना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उड़ते क्यों नहीं आता उस तरह। तभी मुर्गी माँ कहती है, बेटा तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम मुर्गी हो, तुम ऊंचा उड़ नहीं पाओगी। वो मान लेता है और वो मुर्गी की तरह ही अपनी जीवन जीता है और आखिर में मर जाता है। दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि लाइफ में हमारा एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तभी दूसरा आके हमको कहता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आप इतने सक्षम नहीं हो, आप में इतनी ताकत नहीं है कि वो चीज़ आप कर पाओगे। हम उनकी बात मान लेते हैं और अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। मुझे यही कहना है दोस्तों आपसे कि आप ऐसा ना करें। आप में आपके आत्मविश्वास कम होता है, अपनी शक्ति कम होती है, आपके काम पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए आप ये चीज़ करते हो। मुझे यही कहना है, आप डटे रहिए, भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। देखिए, अगर युद्ध जीतने वाले होते हैं तब कायर भी और जोर से युद्ध करने लगते हैं, क्योंकि पता है कि वो युद्ध जीतने वाले हैं। और योद्धा तो वही होता है कि जिसे पता है कि वो युद्ध हारने वाला है, फिर भी वो अंत तक डटे रहते हैं, वो आखिरी सांस तक वो लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें जीतना है। दोस्तों, सिंपल टॉक विद प्रवीण हटकर में आज इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और सुनते रहिए सिंपल टॉक विद प्रवीण हटकर। नमस्ते।